हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अब अच्छी ट्रेड कर रहे होंगे। तो वीकली एनालिसिस हमने किया था, पीर का दिन है आज, वॉल्यूम जो है वो काफ़ी लो रहता है मार्केट में और हमेशा की तरह अभी तक मार्केट ने अप्रोच कर रही है, लेकिन उस तरीके से अप्रोच मार्केट ने नहीं किया है। जी यूएसडी वाला भी हमारा एज इट इज ही है। यूरो यूएसडी में इसमें थोड़ी सी अपडेट हमने करनी है, वो भी मैं आपको बताना लास्ट टाइम भूल गया था, लेकिन इसमें करूँगा मैं। पहले हम ज़रा गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड के अगर आप सेंटीमेंट देखें तो मार्केट बाय के अंदर है और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, आप सिंपल फिबोनाची लगा सकते हैं इसका, ठीक है, बाय ट्रेंड में। तो मैंने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये आई थिंक H4 का एरिया, मैं आपको दिखा दूंगा। ये नहीं, डेली का एरिया है ये, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो उठी है ना, ये दोबारा मार्केट ने पॉज यहाँ पर लिया है और मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट यहाँ पर खड़ी है, जाहिर है इससे मार्केट ने नीचे आना है मज़ीद। तो 61 का एरिया हमारे पास है, लेकिन हमारा जो डिस्काउंट एरिया है वो यहाँ पर है, इसी डिमांड के अंदर हमारे। और ये पड़ता है हमारे पास प्राइस 1881.74, ठीक है। तो बाय ट्रेंड के अंदर हम हमने डेली का ये एरिया मार्क किया हुआ है, आप लोगों ने भी यकीनन मार्क किया हुआ, और इसके साथ मैंने आपको एडवांटेज एक और दिया था कि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर भी मौजूद है इसी जगह पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 15 मिनट के अंदर हम जाएँ तो यहाँ पर हमें चीज़ें दिख जाती हैं, थोड़ी सी वाजह ये एरिया हमें दिख जाता है और हमें एक ये वाला एरिया दिख जाता है, ठीक है। मार्केट जब इसके अंदर आएगी तो आपने, जाहिर है आप इतना तो सीख चुके हैं कि आपने किस तरीके से मार्केट को लेके चलना है, यहाँ का भी वेट करना है आपने और अल्टीमेटली यहाँ का भी वेट करना है। इससे नीचे थोड़ा सा इम्बेलेंस मौजूद है, मार्केट ऑल द वे डाउन भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी आ सकती है। जब तक मार्केट इसके अंदर है हम बाय के अंदर ही सोचेंगे, और स्ट्रक्चर आपने देखना है कि मार्केट इसके अंदर ही स्ट्रक्चर बनाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट लो क्रिएट करके आपका हाई क्रिएट ना करे, अगेन लो की तरफ जाए, फिर ये वाला लो आपका लास्ट लो हो जाएगा और मार्केट इस तरफ जाए। हो सकता है मार्केट दोबारा इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ आए, तो फिर आपकी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो और आपको यहाँ पर जो है वो कंफर्मेशन मिले, ठीक है। तो सारे सिनेरियो आपने देख के रखना है। सेल की तरफ हम फिलहाल नहीं जाएंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ एक सप्लाई एरिया मार्क किया हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ से हमें कुछ पिप ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हमें पिप ज़रूर मिले। बिल्कुल मार्केट ऑल द वे जा सकती है क्योंकि सेंटिमेंट हमारे पास बाय के हैं, ठीक है। हमने कोई अपना मेन एरिया मार्क नहीं किया, बस सही है, तो हम इसको चलने देंगे और वेट करेंगे मार्केट का। पीर का दिन वैसे भी वेट का होता है, लेकिन फिर भी आपको अपडेट देना लाजमी है ताकि कोई गलत कदम आप लोग ना उठा लें। खासतौर पर इसको देख के आप लोग गलत कदम ना उठाइएगा, ये ट्रैप है, आपने इसको नहीं देखना। हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको सेल दिखा दे या हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इसको आपने नहीं देखना है, ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे किसी एरिया से ये एरिया नहीं बना है, ठीक है। अगर यहाँ से ही बनता तब भी हम इसको कह सकते थे, हमारे पास मेन एरिया ऊपर है तो उसके नीचे नीचे जितने भी एरिया में फॉल सिग्नल देते रहेंगे हम उनको एज इंड्यूसमेंट मार्क करते रहेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा मार्क है, इसलिए मार्क नहीं कर रही, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ट्रैप है, इसको आपने जो है वो एज अ ट्रैप ही फॉल करना है, बेशक ट्रेड आपकी निकल जाए, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास सेल सेंटिमेंट मार्केट हमें दिख भी रही है, सेल के अंदर है। एक तो एरिया हमारा ये है इंटरमीडिएट एरिया, मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से भी नीचे जा सकती है, 1.05519, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, तो इसके ऊपर ही मार्केट आ सकती है, यानी इस तरह आ सकती है। यहाँ मेरे से एक चीज निकल गई थी, यहाँ पर एक एरिया है, मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास एक एरिया मौजूद है 1.0535, ठीक है। और अगर आप H1 पे आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास जोन दिख रहा है, ये M13 में आपको सही दिख दिया, ठीक है। ये पूरी ये कैंडल नहीं हमने देखनी, हमने देखना है ड्रॉप, ये बेस है पूरी और ड्रॉप, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास देख लें पूरा ट्रेंड लाइन इसी की लिक्विडिटी आ रही है। तो ये आपने, मैं हटा दूंगा इसको, लेकिन आपने बल्कि हम इसको दूसरे ब्रोकर में मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम इसको दूसरे ब्रोकर में मार्क कर लेते हैं, forex.com में आ जाते हैं, ठीक है, टोटल न्यू फ्रेश कर लेते हैं इसको, H1 M13 ठीक है, ये हमारा जोन हो गया। कलर कोडिंग भी कर देते हैं, ठीक है, और इस लिक्विडिटी की मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मौजूद है, और ये एरिया हमारे पास 1.05678 और सेंटिमेंट हमारे पास सपोर्ट में है। आप ये स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, ऊपर वाला भी ले सकते हैं, दो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, एक ये है और एक ये ऊपर वाला है, लेकिन हमें ज़्यादा जो है वो ये लग रहा है कि यहाँ पर फॉल्स सिग्नल मार्केट ने दिया है, लेकिन इसको मार्केट ने परफेक्टली टेस्ट किया है और ये यहाँ पर 50% से अबव इसके जोन के नीचे आ रही है। अगर इसको हम यहाँ पर पीछे की तरफ खींचते हुए चलेंगे तो हमें यहाँ पर मज़ीद जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक MPL का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा हमारे पास सेल के लिए। मैं पर्सनली इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आप लोग भी ज़रूर होगी, क्योंकि मेरे 3 पेयर हैं, यूरो USD, गोल्ड और GBP USD। GBP USD में कोई चेंजेस नहीं है, सेम यही रहेगा, ठीक है। और आप लोगों ने डिमांड की थी GBP JPY की, ये हमने मार्क किया हुआ है मेरे ख्याल, हाँ बिल्कुल मार्क किया हुआ, और ये एज इट इज है। एक एक एरिया हमने ये मार्क किया था यहाँ पर, ये देखें, ये मैं आपको दिखाना भूल गया, सेकेंडरी लेवल एरिया, ठीक है, ये आई थिंक मेरे पास मौजूद होगा, इसका अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। GBP JPY, शायद ये वाला नहीं, ये शायद मैंने सेव नहीं किया था। तो ये हमारा मेन POI था, ये हमारा सेकंड लेवल जोन था। आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने बेहतरीन इसके ऊपर जो है वो लगाया था। इसके मेरे पर मैसेज आया हुआ था कि भाई ये बहुत अच्छा गया है, और इस सेकेंडरी भी आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी इसके ऊपर अच्छी चल रही है। ये हमारा मेन POI है 179.92। तो ये तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर आपकी जब भी इस तरह की हो आपकी कि कोई पेयर आप लोग रिक्वेस्ट करें तो पहले आप वो देख लें मेरे चैनल पे, मैंने उसका रिसेंटली वीडियो एक दो हफ्ते में बनाया, नहीं बनाया, अगर सेम है एनालिसिस वहाँ तक मार्केट नहीं आई है तो आप फिर उसकी रिक्वेस्ट ना करें, आप उसी को फॉलो करें। अगर मैंने नहीं बनाया हुआ या फिर मार्केट वर्क कर चुकी है, जैसे मार्केट यहाँ पर वर्क कर चुकी है लेकिन मेरा एक और मेन POI ऑलरेडी नीचे है, तो ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमारा वर्क कर चुका है, और कितना बेहतरीन तरीके से वर्क किया मार्केट ने, ठीक है, ये हमारा एज इट इज रहेगा। ऑयल के हवाले से बहुत लोग पूछ रहे थे तो हम ऑयल भी देख लेते हैं। अच्छा ये क्या था, कौन सा, ये हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ एरिया, ये भी देखे मैंने किया हुआ है, आपने ऑयल का किया है तो ये भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। ये लास्ट टाइम मुझे याद है, ये MPL एरिया मैंने मार्क किया था और ये वाला एरिया हमने मार्क किया है। ऑल द वे डाउन जोन हमारा असल में ये है, लेकिन हमने पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, अभी तक मार्केट इसमें भी नहीं आई है, ठीक है। तो हमारा यही रहेगा मेन 88.060 90.274। अभी कुछ लोग पूछ रहे 40 रुपये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन मार्केट तो यहाँ ऊपर जा रही है तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा भाई ये है क्योंकि हमारी हुकूमत है बहुत ज़्यादा हरामी, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, प्राइस होल्ड किए हैं, यानी दो रुपये यहाँ से निकाले हैं, 4 रुपये कहीं एडजस्ट किए हैं। अब वो एडजस्ट कहाँ किए हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, यकीनन वो बिजली के अंदर एडजस्ट किए होंगे उन्होंने, फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्ट करेंगे, 40 रुपये हैं ये, इसको वो डिवाइड कर देंगे मुख्तलिफ सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में डिवाइड कर देंगे, उसके अंदर टैक्स लगा देंगे, और जो यूटिलिटीज़ हैं यानी बिजली गैस वगैरह इसके अंदर 5-6 रुपये करके इस तरीके से, यानी हुकूमत का तो 5-6 रुपये नहीं बनता,
वो तो एक एक रुपया पांच पांच जो है वो क्या कहते हैं चवन्नी अठन्नी इस तरीके से बढ़ाते हैं वो, और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ही 40 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, और हमें लगेगा कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन वो हुआ तो सस्ता है लेकिन बाकी चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, बाकी चीज़ें सस्ती नहीं होंगी क्योंकि वो एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर सारा। क्योंकि एक जो दवाई लेने गया हुआ था वो साहब वापिस आ रहे हैं, ये पूरा पॉलिटिकल गेम होता है, तो हमारे मुल्क में तो यही होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से सस्ता हुआ है 40 रुपये, कोई एकदम ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूध शहद की नदियां बह गई हैं। अब आपको दिखेगा एग्रीकल्चर के अंदर खास तौर पे दिखेगा कि वहाँ पे इन्होंने जो है वाट लगाई है, आटा आपको मजीद महंगा दिखेगा थोड़ा सा, और अल्लाह भला करे तेल चीनी वगैरह ये चीज़ भी काफ़ी महंगी हो जाएंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लो होगी लेकिन ये वो सारा का सारा वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के ऊपर बच रहे हैं आपको, तो आप 3.5 रुपये या 3 रुपये किसी और चीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हो, यानी बैलेंस जो है वो प्रॉफिट में रहेगा टोटल उसके क्या कहते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन हमें लग रहा होगा कि हमने 40 रुपये कम बचा लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो ये इस वजह से ये सीन हुआ है सारा। और गोल्ड आप अपना ऑयल आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी बहुत जब एक्चुअली के अंदर मार्केट नीचे होगी और तेल प्राइसेस नीचे आएंगी तब वो जेन्युइन होगा, अदरवाइज अगर चार्ट के ऊपर ऊपर जा रहा बैरल तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्योंकि निकालते तो है नहीं, मतलब इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे यहाँ पे फील्ड नहीं लगी कोई भी। ठीक है, तो हम निकालते नहीं हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं, जब इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा इससे लेना देना कोई है ही नहीं। अब ये होता है वीकली साइकिल के ऊपर, ठीक है, फिस्कल ईयर जिसको हम बोलते हैं, क्वार्टरली वीकली ये असाइन हुए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब जो उस वक्त कीमत होगी, यानी अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज से 2 महीने पहले अगर ऑयल को ऑर्डर किया हुआ होगा तो जो कीमत है रिफ्लेक्ट करेंगी वो 2 महीने पहले की होंगी। ठीक है, वो आज की नहीं होंगी। अगर उस वक्त 2 महीने पहले महंगा था आज सस्ता है तो हमें वो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करने वाले हैं। इंडिया में भी आप देख लें 106 109 मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं पेट्रोल प्राइजेज होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं क्योंकि हमारे यहाँ निकलता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नीचे होगा प्रॉपरली नीचे आएगी मार्केट तो वो एक्चुअल रिसेशन होगी, क्या कहते हैं डिक्रीज होगा, अदरवाइज वो फेक डिक्रीज होता है। ठीक है, तो प्राइसेस एडजस्ट हो जाती हैं, मैंने आपको इकोनॉमी भी समझा दी। ठीक है, तो क्या कहते हैं ऑयल का ये सीन है। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।